नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की एक क्लास है BSc फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम OMR पैटर्न पर होना है, उन सभी के लिए ये मॉडल पेपर खासकर महत्वपूर्ण रहेगा। यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के जिनके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए ये मॉडल पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, ये क्लास दी जा रही है NEP के अंतर्गत, यानी कि नई शिक्षा प्रणाली के आधार पर। तो NEP के अंतर्गत यानी BSc थर्ड ईयर में इस बार प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके दो पेपर होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री में पेपर नंबर फर्स्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट पेपर का जो पेपर टाइटल है वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पेपर नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ओके, चल तो ये मॉडल पेपर 2024 और 25 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन्स आर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हाइड्रोकार्बन्स हैं। पहला दिया गया है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। या फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स किससे मिलकर के बने होते हैं, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर के बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर दो आपका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है टर्सरी कार्बन इज बाउंडेड डायरेक्टली टू, जो टर्सरी कार्बन है वो डायरेक्टली किससे बाउंडेड होता है, टू हाइड्रोजन से, थ्री हाइड्रोजन से, या फिर दो कार्बन से, या फिर चार कार्बन से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो जब भी टर्सरी कार्बन की बात हो तो टर्सरी कार्बन में कितने कार्बन होते हैं, तीन कार्बन। अगर यहाँ पर सेकेंडरी की बात होती तो यहाँ पर कितने कार्बन होते, दो कार्बन, और प्राइमरी की बात होती तो कितने कार्बन होते, एक कार्बन होते, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया था कि ए टर्सरी कार्बन इज बाउंडेड डायरेक्टली टू, तो डायरेक्टली किससे बाउंडेड होते हैं, थ्री कार्बन से बाउंडेड होते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका अगला प्रश्न है विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट टू मेथिल पेंटेन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो फार्मूला है ये इंडिकेट करता है किसको, टू मेथिल पेंटेन को। तो टू मेथिल पेंटेन यहाँ पर पहला देखते हैं C5H12 है, तो पेंटेन में 5 रहेगा, ठीक है। टू मेथिल, अब यहाँ पर दो मेथिल की बात हो रही है, तो मेथिल में कितने होते हैं, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो मेथ कितना, एथ मेथ, ओके। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टू मेथिल पेंटेन में यहाँ पर हो जाएगा C6H14। ये क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा टू मेथिल पेंटेन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोकार्बन्स आर, क्या पूछा गया है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। पहला दिया गया है कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जबकि अभी मैंने बात किया कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये किससे मिलकर के बने होते हैं, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कंपोस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, वो मिलकर के बने हैं कंपोजिशन या कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीसरे में कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो बिल्कुल नहीं बना है भाई, वो तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कंपोस्ट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो ये भी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सही वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्रोपेन। प्रोपेन के अबाउट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है कि इसमें प्रोपेन के सापेक्ष में कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला है ऑल बाउंडेड एंगल आर 109.5 डिग्री, यानी कि 109.5 डिग्री, ठीक है। आल जो इसमें दिया गया कि प्रत्येक जो बाउंड एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 109.5 डिग्री के होते हैं। दूसरा कह रहा ईच कार्बन इन sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि प्रत्येक जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी sp प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो क्या है, sp3 संकरण है। सी ऑप्शन कह रहा है कि द कंपाउंड ऑफ कम्बिस्टेबल, और चौथा ऑप्शन कह रहा है द कंपाउंड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीप्रोपोलीन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, तो गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा द कंपाउंड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो ये पॉलीप्रोपिलीन नहीं देगा, बाकी आपके ऑल बाउंडेड एंगल जो होते हैं वो कितना होते हैं, 109.5 डिग्री होता है, प्रत्येक कार्बन आइटम यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और द कंपाउंड क्या होगा, कंप्यूटेबल होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC, यानी कि IUPAC रूल के आधार पर इनमें से कौन सा नाम सही दिया गया है। पहला है 2-methyl cyclohexane, दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है, 2-ethyl 2-methyl pentane। IUPAC रूल के आधार पर क्या यह सही है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी है 3-4-dimethylpentane, और डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका है 3-ethyl 2-methylpentane। तो इनमें से सही आंसर आपका क्या है भाई, यही वाला IUPAC रूल के आधार पर सही नामनक्लेचर है, 3-ethyl 2-methylpentane, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप इज आइसोब्यूटिल ग्रुप। इनमें से यहाँ पर दिया गया व्हाट टाइप, यानी कौन से टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप इज आइसोब्यूटिल ग्रुप, इनमें से कौन सा एल्किल ग्रुप है जो क्या है, आइसोब्यूटिल ग्रुप है। पहला दिया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नन ऑफ दीज। तो कौन सा, प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, टर्सरी एल्किल ग्रुप और नन ऑफ दीज। तो इनमें कौन सा एल्किल ग्रुप, प्राइमरी एल्किल ग्रुप जो है वो क्या है, आइसोब्यूटिल ग्रुप है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें है हाउ मनी मोनोक्लोरेटेड आइसोमर वुड रिजल्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ क्लोरीन विथ एन ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एन ब्यूटेन, यानी कि जो कितने मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और किसके साथ, एन ब्यूटेन के साथ, किसकी उपस्थिति में, यूवी लाइट यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो इनमें कितने मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर होंगे, तो इनमें कितने मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर होंगे, तो इनमें 2 monoclorinated जो है monoclorinated आइसोमर होंगे। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर निकालना संभव नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने monoclorinated आइसोमर वुड रिजल्ट, यानी कितने monoclorinated आइसोमर जो हैं वो रिजल्ट देगा जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को एन ब्यूटेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, यूवी लाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें कितने मिलेगा, 2 monoclorinated आइसोमर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, एक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला C3H8 डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन Cl4 इन द डार्क द कंपाउंड कुड बी। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है जिसका फॉर्मूला क्या है, C3
H8 है जो कि डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन Cl4, यानी कि ये जो है वो रिएक्शन नहीं कर रहा है किसमें, ब्रोमीन यानी Br में, किसके साथ, यानी कि Cl4 में, किसमें, अंधेरे में। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एल्केन होगा, साइक्लोएल्केन होगा, या एल्कीन होगा, या साइक्लोएल्कीन होगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ये कंपाउंड क्या होगा, एल्केन होगा। ध्यान रखिएगा एल्केन जो है वो ब्रोमीन के साथ Cl4 में अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट एप्लीकेबल विथ मेथेन इन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इनमें से यानी कौन सा हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ, मेथेन, कौन सा हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ, मेथेन के साथ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर दिया गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन ग्रुप के कौन कौन से तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये सब क्या हैं, ये सब हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। तो इनमें पूछा क्या गया था कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है या अप्लीकेबल नहीं होता है किसके साथ, मेथेन के साथ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। तो इनमें से आयोडीन आपका सही आंसर होगा। आयोडीन जो है वो क्या करता है, वो रिएक्शन नहीं कर सकता है या नहीं करता है मेथेन में, किसके साथ, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन में। सी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चले आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें पूछा गया है मार्कोनिकॉप्स एडिशन ऑफ HBr इज नॉट एप्लीकेबल टू, मार्कोनिकॉप एडिशन जो है, मार्कोनिकॉप एडिशन यानी HBr, HBr को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकॉप एडिशन HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो नॉट एप्लीकेबल है प्रोपेन के लिए, 1-ब्यूटेन के लिए, 1-पेंटेन के लिए, या फिर 2-ब्यूटेन के लिए। तो आपको बता दो मार्कोनिकॉप्स एडिशन ऑफ HBr डज नॉट एप्लीकेबल टू 2-ब्यूटेन, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ ब्रोमीन इन CCl4, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मोस्ट रेडली रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन इन CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, ये कंपाउंड क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है यानी रिएक्शन करता है मोस्ट रेडली यानी अधिक तेज किसके साथ, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन यानी Br प्लस CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया CH3CH2CH3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है CH3 का होल ट्राई CH, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि CH3 का होल थ्राइस सी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा भाई, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था, पूछ रहा था कौन सा कंपाउंड विल मोस्ट रेडली विथ ब्रोमीन इन CCl4, ठीक है, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो तेज अधिक रिएक्टिव होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी CH3CH CH2 जो है ये अधिक रिएक्टिव है, ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्लास 9 बजे ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों मोड में अब संचालित की जाएगी 5th सेमेस्टर की, ओके। चले नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एथिलीन रिएक्ट विथ HI टू गिव, ठीक है। अब एथिलीन यहाँ पर पूछा गया है, एथिलीन को अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है।
चलिए जल्दी से बताइए, अगर हम एथिलीन का रिएक्शन किसके साथ करवा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें आइडो एथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, आइडो एथेन प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके ध्यान रखिएगा, जब भी एथिलीन का रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें आइडो एथिलीन प्राप्त होगा, क्योंकि एच आई इसमें आई जुड़ जाएगा, एच बाहर हो जाएगा। ओके तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन से कंपाउंड के पास या किस कंपाउंड के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इनमें से किस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या है, शून्य है। पहला ऑप्शन है सिस 1,2 डाइब्रोमो एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1,1 डाइब्रोमो एथिलीन, ऑप्शन सी है ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो एथिलीन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से जीरो डाइपोल मोमेंट का हमें पता करना था, तो जीरो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो एथिलीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि 2-ब्यूटेन रिएक्ट विथ HBr2 गिब्स, यानी कि 2-ब्यूटेन जो है अगर उसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 1-ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होगा, या फिर 2-3 डाइब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होगा, या फिर सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 2-ब्रोमोब्यूटेन, या ऑप्शन डी है 2-3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2-ब्यूटेन दिया गया है, तो अगर हम 2-ब्यूटेन का रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 2-ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन, ऑप्शन सी में आपका सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपका अगला प्रश्न है, विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिटिलीन, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, इनमें से कंपाउंड दिए गए हैं और किस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, यानी जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस को क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, जल अपघटन यानी H2O के साथ क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे किसी भी कंपाउंड का, तो कौन से कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। चलिए सभी लोग बताएंगे, तो भाई पहला ऑप्शन CaC2 दिया गया है। ठीक है, तो CaC2 का हम क्या कराएंगे, जल अपघटन, CaC2 प्लस H2O। चलें तो इसका आप लोग रिएक्शन बैलेंस करके बताइए जल्दी से, क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, क्या एसिटिलीन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। दूसरा दिया गया है यहाँ पर Mg2C3, ऑप्शन सी है AlCl3 और CU2CL2। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें पहचानने की विधि, पहचानना इस तरह से है कि जब भी एसिटिलीन की बात हो तो अगर आपको CaC2 दिख जाए, ठीक है, Mg2 अगर लिखा है, Cl4 है, Cu2, तो ये बिल्कुल नहीं देगा, ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर Ca दिया गया है या Mg लिखा होता तो रिएक्शन देता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, विच एल्किल हैलाइड प्रोपेनिक एसिड, विच एल्किल हैलाइड प्रोपोनिक एसिड एज द ओनली प्रोडक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विथ ओजोन फॉलोइंग बाई हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा एल्किल हैलाइड प्रोपोनिक एसिड केवल ट्रीटमेंट, यानी कि केवल क्या करेगा, ओनली प्रोडक्ट अपॉन, यानी एक प्रोडक्ट देगा ट्रीटमेंट विथ ओजोन, किसके साथ, ट्रीटमेंट विथ ओजोन के साथ, फॉलोइंग बाई हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर अगर एल्किल हैलाइड प्रोपोनिक एसिड का हम क्या कराएंगे, ओजोनीकरण कराएंगे, और ओजोनीकरण के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 3-hexene। ओके ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा।
चले आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है लिंडर्स कैटालिस्ट इज, क्या कह रहा है लिंडर्स कैटालिस्ट, इनमें से लिंडर्स कैटालिस्ट कौन सा है। तो लिंडर्स कैटालिस्ट के सफिक्स में आप याद रखेंगे लिंडर्स कैटालिस्ट केवल PbBaSO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ओके। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लिंडर्स कैटालिस्ट पूछा गया, आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज लिंडर्स कैटालिस्ट, और आपको ये सभी उत्प्रेरक हैं। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो AlIAlH4 ये भी उत्प्रेरक के नाम है, NH2 ये भी आपके उत्प्रेरक हैं, HCl ZnCl2 ये सभी उत्प्रेरक हैं, लेकिन इसमें इसे लिंडर्स कैटालिस्ट जो है वो दिया गया PbBaSO4, ओके। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, क्या कंसिस्ट करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा पाई बॉन्ड होगा, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड केवल और केवल होंगे, या फिर 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है 3 पाई बॉन्ड्स होगा। तो आपको बता दें कोई भी ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है तो उसमें क्या होता है कि एक जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न दिया गया है व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू हॉट आयरन ट्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स, यानी जब हम एसिटिलीन को गरम आयरन यानी कि गरम लोहे के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे पास करवाएंगे, तो ये हमें क्या देगा, बेंजीन देगा, टालुइन देगा, या फिर ऑक्सलेट देगा, या फिर मेस्टिलीन देगा। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जब हम एसिटिलीन को हॉट आयरन ट्यूब के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पास करवाएंगे तो ये हमें क्या देगा, बेंजीन देगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर C6H6 भी दिया जा सकता था, ओके। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ मोनोमिएस्टल एजिस NO3 सोल्यूशन, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्शन नहीं करता है एमिनोनिकल AgNO3 सोल्यूशन के साथ। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या दिया गया है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 1-ब्यूटेन, प्रोपेन और 2-ब्यूटेन। तो इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा 2-ब्यूटेन, आपका इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या पूछा गया है 2-मेथिल प्रोपेन, क्या पूछा गया है 2-मेथिल प्रोपेन रिएक्ट विथ HBr2 गिब्स, यानी 2-मेथिल प्रोपेन है अगर उसका हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, या आइसोब्यूटेन हमें मिल जाएगा, या फिर एन ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, या नन ऑफ दीज। तो अगर हम क्या कराएंगे भाई, मेथिल प्रोपेन को अगर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हम HBr के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या प्राप्त होगा टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स रिएक्ट विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एल्केन को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट इनमें से कौन सा प्राप्त होगा, 1-ब्यूटेन प्राप्त होगा, या फिर
2,3-dimethyl-2-butane प्राप्त होगा, या ऑप्शन सी कह रहा है 2-butane, या ऑप्शन डी नंबर है 3-hexane। तो इसमें जो सही आंसर हैं आपके वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 1-butane। अगर हम एल्केन को रिएक्शन करवाते हैं, एल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में? फ्रक्साइड की उपस्थिति में। तो हमें कौन सा एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट प्राप्त होगा? तो हमें 1-butane प्राप्त होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न है, इन द एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हाइलाइट दिया गया है टू ए डबल बॉन्ड, द हाइड्रोजन गोज टू कार्बन डैट ऑलरेडी हैज मोर हाइड्रोजन इज ए स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन एडिशन ऑफ HX यानी हाइड्रोजन हाइलाइट के एडिशन में डबल बॉन्ड द हाइड्रोजन गो, यानी जो हाइड्रोजन है वो गो द कार्बन दैट ऑलरेडी हैज मोर हाइड्रोजन इज स्टेट ऑफ। ये हुंड्स रूल है, मार्कोनिकाफ रूल है, हकल्स रूल है, या फिर सैटलिप रूल है। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है मार्कोनिकाफ रूल, ऑप्शन बी में आपका सही आंसर है। मार्कोनिकाफ रूल क्या है? मार्कोनिकाफ रूल में हाइड्रोजन हाइलाइट का क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गोज टू कार्बन डेट ऑलरेडी हैज मोर हाइड्रोजनेसिस इज स्टेट ऑफ मार्कोनिकाफ रूल। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, इन द रिएक्शन ऑफ CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 विथ HCl, द H ऑफ HCl विल बिकम्स अटैच टू विच कार्बन। यानी कि रिएक्शन दिया गया है किसका? CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, इसका हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HCl के साथ करवाएंगे। तो इनमें जो H है यानी HCl से जो H है वो अटैच करेगा कौन से कार्बन से? ये जो H है HCl में जो H दिया गया है वो किस कार्बन से अटैच करेगा? C1, C2, C3 या फिर C4। तो ये अटैच करेगा C1 कार्बन को अटैच करेगा हाइड्रोजन, HCl का हाइड्रोजन किससे अटैच करेगा? पहले कार्बन से। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, द डिसअपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इन द रिएक्शन विथ एल्केन इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिसअपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर किसका? KMnO4 का। तो ये रिएक्शन जो है वो एल्केन के नाम से है, विथ एल्केन यानी कि रिएक्शन किसके साथ होगा? एल्केन के साथ होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये मार्कोनिकाफ टेस्ट कहलाएगा, या ग्रिग्नार्ड टेस्ट कहलाएगा, या बायर टेस्ट है, या वोल्टेज टेस्ट है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों क्या है? वायर्स टेस्ट है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका वायर्स टेस्ट हो जाएगा। अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता तो RMgX होता, इसमें एल्किल और हाइलोजन दोनों ऐड होते हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड टेस्ट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? वायर्स टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। चले आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना है? कंसीडर करना है और बताना है। ठीक है, इस ये रिएक्शन है और इसको क्या करना है? आपको कंसीडर करना है, पढ़ना है। तो पहला ही दिया गया बेंजीन CH3CH2Cl। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं एथिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन को जब हम एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवा देते तो CH2CH3 यहाँ पर निकल जाएगा, बाकी HCl ये आपका हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सा उत्प्रेरक, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो कैटालिस्ट है किस कैटालिस्ट का यूज़ किया गया है? तो क्वेश्चन कह रहा है द कैटालिस्ट यूज टू कम्प्लीट द एबव रिएक्शन।
इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है? पहला है LiAlH4, ऑप्शन बी है AlCl3, ऑप्शन सी है Na और डी दिया गया है KOH। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, यहाँ पर हम लिखेंगे बेंजीन प्लस CH3CH2Cl ये उत्प्रेरक क्या हो जाएगा AlCl3, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन इसमें से सही आंसर दिया गया है। आप लिखेंगे व्हेन, यानी कि व्हेन बेंजीन आर रिएक्ट विथ एथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 देन गिव्स HCl एंड माफ कीजिएगा थोड़ा सा रिएक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एथिल बेंजीन, क्योंकि जब हम रिएक्शन बेंजीन से करवा रहे हैं किसके साथ, एथिल क्लोराइड के साथ, तो हमें लाजमी क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल बेंजीन प्राप्त होगा। एथिल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5C2H5। ओके, तो ये आपका इसमें रिएक्शन तो बैलेंस ही सही है, हमें बताना था कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक में ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिब्स, अगर हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बताना है आपको। पहला है फार्मिक एसिड, दूसरा है ग्लाइकॉल, फार्मल्डिहाइड या फिर ग्लाइसिन। तो ओजोनोलिसिस यानी बेंजीन का हम क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा ग्लाइकॉल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बीस में इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन रिएक्ट विद एस्टिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉर्म। ठीक है, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवा दें किसके साथ, ठीक है, विथ एस्टिक एनहाइड्राइड, किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसिटोफिनोन प्राप्त होगा या बेंजीनोफिनोन प्राप्त होगा या फिनाइल एसिटिक एस्टिक एसिड प्राप्त होगा या फेनिल एसिटेट प्राप्त होगा। तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा एसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब हम बेंजीन का रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें एसिटोफिनोल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, चल अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूज ओनली sp हाइब्रिड कार्बन एटम्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ करता है केवल sp2 संकरण कार्बन एटम्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा कंपाउंड केवल sp2 संकरण का यूज़ करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बेंजीन, ठीक है, बी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी और डी, तीनों आप चारों ऑप्शन को देखिए और चारों ऑप्शन में से बताइए कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल sp2 संकरण का यूज़ करता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये केवल और केवल क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ sp2 संकरण यूज़ करता है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है, बी, सी और डी, इनमें से आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक में आपको बता दूं इनमें से बी वाला ऑप्शन आपका एरोमेटिक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ नेचुरल FeCl3 सॉल्यूशन इज डेवलप। ठीक है, यानी कि जब हम फिनोल को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, फिनोल इज ट्रीट, जब फिनोल को हम FeCl3 सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो ये हमें क्या देता है। ठीक है, ये वॉलेट कलर देता है, येलो कलर देता है, ग्रीन कलर देता है या फिर नथिंग हैपेंस यानी कुछ नहीं देता है। तो दोस्तों जब हम क्या करवाते हैं, जब हम फिनोल को यानी C6H5OH ये फिनोल का फार्मूला है और फिनोल को हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं FeCl3 के साथ,
तो हमें ये वायलेट कलर देता है। क्या देता है? वायलेट कलर। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल रिएक्ट विथ एक्सेसेस ब्रोमीन वाटर टू गिब्स। जब हम फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पहला दिया गया है ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑप्शन बी कह रहा है आपका कि ब्रोमोबेंजीन, ऑप्शन सी है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और डी ऑप्शन है एम ब्रोमोफिनोल। ओके, तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जब हम फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त हो जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, फिनोल इज यूज्ड, फिनोल का प्रयोग किया जाता है इन एल्कोहल बिहेव्स, यानी एल्कोहली बिहेव्स के लिए फिनोल का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता भाई, ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है एज एनेस्टिक्स के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में या फिर एस द माउथ रिप्लिकेंट के रूप में, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। फिनोल इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक्स, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न है, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ CO2 एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 5 एटम्स प्रेशर टू गिव सैल्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। यानी जब हम सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। किसके? यानी 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पर, और प्रेशर कितना है? 5 एटम प्रेशर है, तो ये हमें सैल्सिलिक एसिड देता है। और सैल्सिलिक एसिड जो देता है तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन कहलाता है, या फिर पार्किन रिएक्शन कहलाता है, वोल्टेज रिएक्शन कहलाता है, या HBZ रिएक्शन कहलाता है। तो दोस्तों आप सब लोग इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ये कोल्बे रिएक्शन है। और कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है जब भी बात हो सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है किसके नाम से? कंपाउंड के नाम से ही याद रख पाएंगे, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन 5 से 6 रिएक्शन हैं, और इन 5 से 6 में से हो सकता है सभी पूछ लिए जाएं, हो सकता है 5 रिएक्शन आए। जैसे कि आपसे पूछ लेगा वोल्टेज रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पहचानेंगे किस तरह से, तो पहचानेंगे आप अपने कंपाउंड से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड की बात हो और किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, और क्या प्राप्त हो रहा है आपको? सैल्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? कोल्बे रिएक्शन कहलाएगा। अगर यहीं पर आपका दूसरा रिएक्शन पहचानना था, ग्रिग्नार्ड रेजन पूछ लेता कि ग्रिग्नार्ड रेजन, तो जैसे ही RMgX देखें आप, ठीक है, RMg यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, यहाँ पर एल्किल में CH3MgCl हो सकता है, हाइलाइट के आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये जो रिएक्शन दिया गया है ये कोल्बे रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन। ओके, चले अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एस्पिरिन, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एस्पिरिन कहलाता है? चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एस्पिरिन का आपका दूसरा नाम भी पता चलेगा। पहला ऑप्शन है मेथिल सैल्सिलेट, तो क्या एस्पिरिन का नाम मेथिल सैल्सिलेट है? या फिर ऑप्शन बी दिया गया है सैल्सिलिक एसिड, तो एस्पिरिन को सैल्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। या ऑप्शन नंबर सी आपका है फेनिल सैल्सिलेट, या ऑप्शन डी है एस्टिल सैल्सिलिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है एस्पिरिन का जो नाम है वो क्या है? एस्टिल सैल्सिलिक एसिड। चाहे एस्टिल सैल्सिलिक एसिड लिखा हो, चाहे एस्पिरिन लिखा हो, बात एक ही है। ओके, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ PCl5 लीस्ट वेग्रो यूजली। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करता है किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, एथेनॉल, एस्टिक एसिड, फिनोल या बेंजोनिक एसिड। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा फिनोल। ठीक है, फिनोल क्या करता है?
इनमें से फिनोल रिएक्शन करता है किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं जुड़ चुके हों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साइक्लोएल्केन्स, क्या कह रहा है भाई, साइक्लोएल्केन्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एस। साइक्लोएल्केन्स का जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके तरह होता है, एल्किन्स की तरह या एल्केन्स की तरह या एल्काइन्स की तरह या साइक्लोएल्केन्स की तरह, तो आपको बताना है भाई। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्किन्स की तरह। जो साइक्लोएल्केन्स का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम किसकी तरह होता है, एल्किन्स की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चल नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द साइक्लोएल्केन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैविंग रिंग स्ट्रेन। ठीक है, इनमें से कौन सा साइक्लोएल्केन है जो नॉट एक्सेप्टेड एक्सेप्ट नहीं करता है रिंग स्ट्रेन। इनमें से कौन सा साइक्लोएल्केन रिंग स्ट्रेन एक्सेप्टेड नहीं करता है। पहला दिया गया है साइक्लोप्रोपेन, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, साइक्लोब्यूटेन, ऑप्शन सी है साइक्लोहेप्टेन और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर क्या है, साइक्लोहेप्टेन। ओके, साइक्लोहेप्टेन जो है वो रिंग स्ट्रेन नहीं एक्सेप्ट करता है, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज द, यानी कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन जो है वो साइक्लोहेक्सेन का है, हावर्थ फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, न्यूमोन प्रोजेक्शन फॉर्म या फिर चेयर फॉर्म। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेयर फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चले आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव साइक्लोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम इन डाई ईथर। इनमें से कौन सा कंपाउंड देता है साइक्लोप्रोपेन ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ऑप्शन बी है 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, सी आपका है 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन और डी दिया गया 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो आपको बता दें इनमें से जब भी बात हो साइक्लोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम इन डाई ईथर, तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इनमें से हम क्या करेंगे 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, क्या देता है 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन जो देता है ये साइक्लोप्रोपेन देता है किस पर, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम इन डाई ईथर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथेन, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन या फिर साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो चलिए सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है, कंपाउंड की बात हो रही चाहे एथेन हो, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन हो या फिर प्रोपेन हो या फिर साइक्लोहेक्सेन, तो इनमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो मोस्ट रेडली है विथ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है साइक्लोहेक्सेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इंटू साइक्लोहेक्सेन बाई द हीटिंग विथ, यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉल को हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में, किसके साथ अगर हम इसको गर्म करवा दें, साइक्लोहेक्सेनॉल को किसके साथ हम हीट करवा देंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन में परिवर्तित हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जेडियन HgHCl, दूसरा दिया गया कंसंट्रेट H2SO4 SOCl2 के साथ या फिर H2 एंड Ni के साथ। तो हम इसका रिएक्शन करवा देंगे उत्प्रेरक के रूप में, किस क्या काम करेगा कंसंट्रेट H2SO4 को। हेक्सेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्सेन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे,
आपका अगला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इज एस्टिमेटेड टू बी बोर्ड फॉर्म एट एनी गिवन टाइम। यहाँ पर दिया गया परसेंटेज आपको बताना है किसका, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का परसेंटेज बताना है। एस्टिमेटेड टू बी द बोर्ड फॉर्म एट गिवन टाइम ओवर 99% बिटवीन 90% and 99% या अप्रॉक्सीमेटली 50% या लेस देन 1%। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन 1%। ओके, ऑप्शन आपका सही होगा डी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा साइक्लो एल्केन है जो मोस्ट रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है। पहला साइक्लोप्रोपेन, दूसरा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोहेप्टेन। तो इनमें से जो साइक्लोप्रोपेन है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन ए इसमें आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के सापेक्ष में कौन सा जो तथ्य है वो रॉन्ग है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन है वो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सी सिंगल बॉन्ड सी, बॉन्ड एंगल इज 190 डिग्री 8। ओके, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है इट इज वेरी अनस्टेबल एंड स्टेनेट कंपाउंड। तो ये बिल्कुल असत्य है, यही आपका कंपाउंड नंबर सी जो है, ये स्टेटमेंट नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। चले, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछा गया एक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला C6H12 does not react with concentrated sulfuric acid, the compound could be। ठीक है, एक कंपाउंड दिया गया है जिनमें पूछा गया है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H12, जो कि रिएक्शन नहीं कर सकता है या रिएक्शन नहीं करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो कंपाउंड क्या होगा, एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन्स या साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, तो इनमें से वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है साइक्लोएल्केन। ओके, क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऑप्शन बी में आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिसमें है पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। यहाँ पर है द रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्काइड्स विथ द एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड। ठीक है, अब रिएक्शन बताना है भाई, रिएक्शन में क्या बताना है कि सोडियम एल्काइड का अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन होगा या फिर पार्किन रिएक्शन है या विलियम सिंथेसिस है या फिर एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये विलियम सिंथेसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा नाम से, सोडियम एल्काइड्स के साथ किसका रिएक्शन, एल्किल हैलाइड। ठीक है, RX एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगा, सोडियम एल्काइड का रिएक्शन किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, वो नेमिंग रिएक्शन कहलाएगा विलियम सिंथेसिस। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया था पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्टर आर स्टोरेड इन ब्राउन बॉटल्स, दिस इज बिकॉज ऑन द एक्सोप्रेस टू एयर एंड लेट इथर्स कन्वर्ट टू प्रॉक्साइड ऑक्सीमिनम आयन या ओजोनाइट्स या इलेक्ट्रोफिलिक्स। तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट रेडली रिएक्ट विथ एथिल मेथिल ईथर। इनमें से कौन सा रेजेंट है जो कि रेडली रिएक्ट होता है एथिल मेथिल ईथर में, NaOH
या फिर कंसंट्रेट एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर के एम एन ओ फोर या एच टू ओ। तो आपको बताना क्या था, रेजेंट हैं उत्प्रेरक, ठीक है, इनमें से माफ़ कीजिएगा ये रेजेंट हैं, तो इनमें से कौन सा रेजेंट जो है रेडली रिएक्ट करता है एथिल मेथिल ईथर में। चलिए सभी लोग जल्दी से बता दीजिए भाई, एथिल मेथिल ईथर में कौन सा रेजेंट जल्दी से रिएक्ट करेगा। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, सभी का आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग देंगे, ठीक है। चले तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, के एम एन ओ फोर, क्या हो जाएगा, के एम एन ओ फोर जो है ये रेडली रिएक्ट करेगा एथिल मेथिल ईथर में। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, माफ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि रेडली रिएक्ट कौन करता है, तो भाई रेडली रिएक्ट करता है कंसंट्रेट एच आई, थोड़ा सा मुझे सस्पेंस था इस क्वेश्चन में। ओके तो सही कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा, के एम एन ओ फोर इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है, अगर एथिल मेथिल नहीं डाई एथिल मेथिल ईथर होता तो यहाँ पर के एम एन ओ फोर होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एथिल मेथिल ईथर है, तो यहाँ पर कंसंट्रेट एच आई होगा। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर ऑन हीटिंग विथ एक्सेस द कंसंट्रेट एच आई गिप्स, जब हम डाई एथिल ईथर को हीट करेंगे तो ये कंसंट्रेट किसके साथ, कंसंट्रेट एच आई के साथ, तो हमें क्या देगा, क्या हमें प्राप्त होगा, मेथिल आयोडाइड या फिर आइसोप्रोपिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड या एन प्रोपिल आयोडाइड। तो इनमें से जो सही आंसर है आपके वो जाएंगे एथिल आयोडाइड, ऑप्शन सी में आपके करेक्ट आंसर हैं। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, जिसमें है क्या दिया गया है, एथेनॉल इज आइसोमेरिक विथ, एथेनॉल इज आइसोमेरिक विथ, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डाई मेथिल ईथर, एथेनॉल, डाई एथिल ईथर या फिर प्रोपेन। ओके तो इनमें से एथेनॉल इज आइसोमेरिक विथ, तो एथेनॉल इज आइसोमेरिक विथ डाई मेथिल ईथर। ओके ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू गिप्स, यानी डाई मेथिल ईथर का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें सोडियम मेटल के साथ प्राप्त क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा पहला ऑप्शन कह रहा है इथेनॉल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सोडियम इथॉक्साइड या इथेनॉल या नथिंग हैपन्स। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नथिंग हैपन्स, यानी कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है तो आज के इस मॉडल पेपर में लगभग दोस्तों हमने 60+ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट मॉडल पेपर में, यानी पेपर नंबर फर्स्ट का ही नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा, जिसमें 100+ ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे और वही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इस मॉडल पेपर को लगभग 2 से 3 बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी। जितना ही ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। एक बार इस पीडीएफ को आप रीड करिए, पीडीएफ में आंसर मैं नहीं देता हूँ, देखिए पीडीएफ में मैं आंसर शीट इसलिए नहीं प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि एक बार आप वीडियो देखें, अपने दिमाग में सारी चीज़ें याद करिए, फिर आप उस पीडीएफ के ज़रिए आप एक आंसर शीट बनाइए और फिर आप वीडियो को देखिए और उस आंसर शीट को मिलाइए कि आपने कहाँ पर गलती की है। 2 से 3 बार ये प्रक्रिया अगर दोहराएंगे प्रत्येक वीडियो को लेकर के, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगी। ओके तो दोस्तों पेपर नंबर फर्स्ट का ये मॉडल पेपर था, प्रयास करेंगे कि इसके बाद में सेकंड का भी, यानी सेकंड बुक का भी मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करा दूं, पेपर नंबर सेकंड का भी, फिर मैं लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर मैं कराने वाला हूँ। ओके 3 से 4 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के और वही आपके लिए सफिशियंट होगा आपके एग्ज़ाम में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हों या राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हों, आगरा विश्वविद्यालय से हों या फिर कानपुर विश्वविद्यालय से हों, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके तो दोस्तों ढेर सारा प्यार इस वीडियो पर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।